आपने कहा कि हम 1 लाख टन प्याज लाएंगे बहुत जल्दी। एक दिन में 45,000 टन प्याज खर्च होता है इस देश में, तो आप 2 दिन के लिए आप कह रहे हो कि मैं प्याज आयात करूंगा, कहीं से लाऊंगा। दूसरा चीज, एक तरफ 32,000 लगभग हेक्टर प्याज को कह रहे हो आप सर गए, तो 32,000 ही सराना 45 एक दिनों में जो स्थिति है, तो जो सरा प्याज आपने उस पर कोई हाईकोर्ट या सीबीआई की इंक्वायरी या आपने कोई ऐसी इंक्वायरी की जिसमें मुनाफाखोर और गलत आदमी जेल गए, आपने कभी सब्सिडी देने की बात प्याज पर की कि नहीं? मैं इस देश के हर चीज़ों में, आप पेट्रोल जाओ वहाँ, आप ज़मीन को देखो वहाँ, बिजली बिल को देखो वहाँ, हर चीज़ों में आप मुनाफाखोरों को बीच में लाते चले गए और गरीबों पर आप लगातार आप बोझ बनते चले गए। तो आप कल यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी आए थे और उनके बारे में उन्होंने जो बात कही, मेरा सवाल उसी से है, 3,000 से ऊपर फैक्ट्री लगभग इस जमशेदपुर में बंद हो गई। मेरा पहला सवाल, 70 साल पहले का जमशेदपुर और 10 साल जब आपकी सरकार रही, आप भी रहे 5 साल, फिर 6ठे साल आपकी रही, तो आप जमशेदपुर के बारे में आप बताओ और इस झारखंड के नौजवानों के बारे में बताओ कि आपने कितना बेरोजगारी छीन ली। एक आदमी को रोजगार आपने नहीं दिया और लगभग यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगारी आपकी सरकार ने, केंद्र और दिल्ली झारखंड की सरकार ने आपने छीन ली। लगभग जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो बड़े फैक्ट्रियों के साथ इन्वॉल्व थे काम करने वाले, एक जगह बगल में 1400 फैक्ट्रियां होने के बावजूद पूरा का पूरा वो इंडस्ट्री आपने बंद कर दी पूरी स्थिति, आप इस पर कुछ नहीं बोले। एक भी गांव में आदिवासियों की थाली में मार भात के अलावे, वो भी जंगल का साग, वृक्ष का साग, जो नेता का बेटा बेटी नहीं खा सकता, कभी सूंघ नहीं सकता। और लगभग मिनिमम 20,000 से ऊपर, 20,000 और 35,000 के लगभग बीच में आपने आदिवासी फैमिली और गरीब फैमिली को नक्सली कह करके जेल में आपकी सरकार ने बंद कर दी। गरीब आदमी ही नक्सली होता है, ये मुझे नक्सली कोई हो आप उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन आपका टारगेट कंप्लीट रूप से नक्सली कह करके आपने आदिवासियों को एक्सप्लॉयटेशन किया, गरीब आदमी को किया, और आज हर मासूम और गरीब और आदिवासी की बच्चों और बच्ची के थाली में खाना गायब कर। ये सवाल झारखंड पूछता है।